बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत से हैं भाई? आज माइयों का दिन है तो हमारे टेंट वाले जो भाई हजरात हैं ना, वो पहुंच चुके हैं जी हमारे घर सामान लेके, काफ़ी ज़्यादा सामान है और साथ में एक स्टेज भी साथ लेके वो लोग पहुँच चुके हैं जी। ये देखें जी, और ज़मीन में लगा भी रहे हैं। ये कुछ सोफ़े हैं और ये बाकी चेयर्स वगैरह भी हैं, मतलब कि एक स्टेज का प्रॉपर निज़ाम और एक कुप्पा और बाकी होंगी हमारी चेयर्स। क्या हाल है ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हजरत? ठीक ही वे, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मामा, तू सुना? लेंदे पे आज? जी बाबा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। इस सारा निजाम कितनी देर तैयार थी वैसी? तकरीबन 1 घंटे तैयार थी वैसी। कितने च 1 घंटे च? क्या बात है थोड़ी यार, क्या बात है। लाइटिंग का कोई प्रॉपर होसी निजाम ही था? जी हां होसी, राड लग चली था, 4 राड आमने 100 वाट डाले। लाइट है ना वाल? जी हां 1000 वाट का राड है ना भाई। सो ये रहे जी सोफे दूल्हे साहब के लिए। 100 हमने चेयर मंगवाई है और 50 होंगी यहाँ और 50 होंगी वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक, ठीक है। आँख खुल गई आपकी? हाँ खुल गई है। कल के थके हुए थे ना? बहुत ज्यादा थके, सफर बहुत ज्यादा कर लिया था कल। और एकदम से है क्या? ठीक है हाँ, बेहतरीन निज़ाम बन रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और दूसरी बात के हमारे घर ना देगू वाले भी पहुँच चुके हैं और आज सुबह सुबह ना लकड़ियाँ भी हमने मंगवा ली हुई हैं। ये देखें, मतलब जहाँ पे हम बनाएंगे ना देगे वगैरह, तो ये रहें जी हमारी 4 देगे। आज माइयों का देना तो सिर्फ 4 देगे काफ़ी हमारे लिए, और कल तो फिर बहुत ज़्यादा होंगी ना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज माइयों के साथ साथ ना भाई का आज निकाह भी होगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिन हमारे लिए बहुत एक बड़ा खुशी का दिन है। शाम के वक्त 7 बजे यहाँ से रवाना होंगे निकाह के लिए, और सारे घर वाले ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक्त, और सब तैयारियां करने में इतने मशगूल, मैं समझ रहा हूँ इतने मसरूफ़ हो चुके हैं ना। सुबह सुबह नाश्ता मैंने भाग दौड़ में किया और फिर ये काम वाले आ गए। इनके साथ अगर काम मिलके ना करवाया जाए ना तो ये ठीक से नहीं करते। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो लोग शरबत के बगैर काम ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि शरबत पहले पिलाएं और फिर बाद में काम स्टार्ट करेंगे, तो शरबत पिलाए तो काम को लग गए पीछे भाई साहब। बाकी हमारा टेंट लग चुका है जी, ये देख सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या बात है भाई। नौजवानों ने ना आज काम फुल कर दिखाया, ये देख रहे हैं क्या बात है उस्ताद, आज तो सब मेंटल लाए काम किते हैं। अच्छा कुप्पा लग चुका है, अब यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है, पहले यहाँ पे गर्मी थी और जैसे कुप्पा लगाया ना, जो हवा कुप्पे के बीच में से क्रॉस करते ना वो ठंड ठंडी होती है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे एक स्टेज बनाने वाले हैं, इस साइड पे हम चेयर्स लगा देंगे। ओ भाई रक्षे को फंसा लिया नीचे, जोर लगवाओ जोर लगवाओ, शाबाश शाबाश, आने दो साथ, आने दो आने दो आने दो, क्या बात है उस्ताद जी क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी मुश्किल से आ रहा है भाई। स्टेज के बैकग्राउंड के लिए पीछे पर्दा लगाते हुए भाई, काफी टाइम के बाद स्टेज लग चुका है जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें यहाँ पे बैठेंगे जी दूल्हा साहब, और रात को ना झूमर लगाने वाले हमारी टीम भी आ रही है जो कि यहाँ पे झूमर लगाएगी, और शाम को जो भाई माहौल होगा ना वो देखने वाला होगा। और हमारे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं बहुत स्पेशल किस्म के। मेहमान पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टेज सज चुका है जी, ये देख सकते हैं जी। और सारी मतलब जो भी चेयर्स थी ना ये सेटिंग में रख दी हुई हैं, और नीचे हमने क्लीन बिछा दिया हुआ है, राइट साइड के ऊपर भी चेयर्स, लेफ्ट साइड के ऊपर भी चेयर्स, और साथ में छोटा सा वूफर जो कि रात में डांस वांस करेंगे तो ये फिर काम आता है उसमें ना, तो ये वूफर हमने रेंट से लिया, किराए पर मंगवाया ना शहर से। गारमेंट्स की शॉप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेंगे हम एक वेस्ट कोट प्यारी सी, और कल मैंने लेनी थी, कल मुझे पसंद नहीं आई थी, सो भाई के पास पहुँचे, आज यहाँ से देखते हैं कि कौन सी मुझे पसंद आती है जी। फैन ठीक लग रही है वाली? ठीक, बगैर बाजू, बगैर बाजू की होनी है ना, ये देखें कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सही है, कमाल लग रही है। दूसरे कलर दिखाइएगा, ये भी कैसी लग रही है, पहली प्यारी थी ये, प्यारी है उसे, पहली वाली प्यारी थी या भाई साहब? इसका लाइट कलर है, उसका डार्क था थोड़ा, लेकिन ये जगह नहीं कह रही। फेरोज भाई ने जो पहले वाली जो है वास्केट फिर पहन ली है, एक भाई ने कहा कि पहले वाली प्यारी ज्यादा लग रही थी, और ये वाला गैप भी खत्म हो गया। मूंछों के साथ प्यारी लग रही है, मैंने आज रखा हुई है, कमाल।
ट्राई के लिए मैंने ये वेस्ट कोट पहन ली है जी। और ये कैसी है? ठीक है, ठीक है बस। और कलर भी प्यारा लग रहा है। सो ये पसंद कर ली हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ही काफ़ी मेरे ख्याल से, बस ठीक है, काफ़ी है। गर्मी का सीज़न चल रहा है वैसे भी। दबाओ बटन, एक आ रही है, आ रही है, नीचे आ रही है। शाम का टाइम हो चुका है और मैं शॉपिंग करके वापस आ गया हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आया ना तो घर पे भाई खाने पीने का इंतज़ाम क्या बात है माशाल्लाह। और चार देंगे हमने बना लिए हैं, बन भी चुके हैं, एक दो तीन चार, चार देंगे। कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं, तो हमारा खाना भी रेडी हो रहा है जी। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक हो? खुश हो, तबीयत ठीक है? बने ही बैठे हुए रोटे हैं, हाली देर है थोड़ी, निज़ाम चल रहा पे, कुटियो कुटियो। ये रोटियां जी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब बन चुकी हैं जी। क्या अच्छा। चाचू जान ने जी हमें सरप्राइज दे दिया है सऊदी अरब से आके। और सारी फैमिली भाई, सारी फैमिली की जो खुशी है ना वो दुबला हो चुकी है शादी की वजह से। सारे घर वालों की जो खुशी है ना वो इस वक्त डबल हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें हमें नहीं पता था कि भी चाचू यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जस्ट सरप्राइज दे दिया अचानक। और अगर पता हो तो मैं आप लोगों को पहले बता देना कि चाचू जान आ रहे हैं। तो चाचू जान ने जस्ट सरप्राइज दिया हमें, आज ही शादी स्टार्ट हुई और चाचू जान भी आ गए जी। तो आप फिर सोच सकते हैं कि खुशी की जो इंतहा है ना वो हमारी डबल हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर सारे मेहमान बैठे हुए हैं और ये लाइटिंग भी जल रही है, क्या बात है। कुप्पे में भी लाइटिंग थोड़ी देर बाद हम जला देंगे, ठीक है। वो अभी फिटिंग कर रहे हैं भाई वहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद हम कुप्पे में भी जो है ना लाइटें वो जला देंगे। 8 बज चुके हैं रात के और मेहमानों में खाना तकसीम किया जा रहा है जी। यार स्टार्ट करो, एक गिनो कौन? क्या हाल है चाचा, ठीक है? कहीं चीज की जरूरत है तो मैं डुसा देवी। अच्छा, वो यार सालन मोग गया, यार सालन दो, सालन मोग गए। यार तो कटनी